ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰਾ ਬ੍ਰੋ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ये हंसी तो आपने देखी होगी जहां पंजाब के लाखों किसान अपने अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। उनकी अनुपस्थिति में महिला किसान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती नजर आ रही हैं। दिल्ली के भाजपा सांसद हंसराज हंस आज किसान संगठनों से घिरे स्थानीय शहीदी पार्क में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोगा पहुंचे। दूसरी ओर किसान संगठनों ने उनका कड़ा विरोध किया है। किसानों ने कहा कि अगर हंसराज हंस वास्तव में किसानों के साथ हैं तो उन्हें तुरंत भाजपा से नाता तोड़ लेना चाहिए और अपने पूरे नेतृत्व से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशासन द्वारा सैकड़ों कर्मचारियों को तैनात किया गया था। देखिए पूरा मामला। मोगा से संजीव अरोड़ा की रिपोर्ट। बिजली दे बिल पराली दा मुद्दा सारे अलग कराने नहीं बच्चा बच्चा झोक देंगे धरने लगन गए एक पास हंसराज बयान दे रहा मैं किसानां दे नाल आ तुसीं इहदे बारे बच्चा आके बैठा आके माफी मंगी बिच बैठा नहीं बैठा वो तो आपके महिला च बैठे सारे दुनिया सड़कों पर रल गई बच्चा बच्चा दिल्ली च पहुंच गया। कारण सानू पता लगा हंसराज हंस भाजपा का एम एल ए जा कुछ भी होवे वोटां साडियां ना बनिया होया है ये जे कहिंदा इन्हां दे नाल तो चले दिल्ली बार्डर ते सेंटर सरकार दे मूहरे जाके बयान देवे मैं किसानां नाल हां साढ़े चार महीने हो गए साढ़िया मावं साढ़े बच्चे हुण इन्हां नूं हले हुण पता लग्या मोदी नूं कल आ जिहड़ा बयान दे रहा शाह आ बच्चों बीबिया बजुर्गों उन्होंने बच्चा बजुर्गों का आया जे बच्चे बजुर्गों उन्हें घर भेजना तो साढ़े तीन आर्डिनेंस बिल 2020 रद्द करे फिर जावे नहीं छड़ते संघर्ष बाइकाट करांगे इत्थे कोई भी वाला लीडर आवे किते भी आवे ओदा बाइकाट करांगे असीं किसान जथेबंदियां वालों 8 नूं भारत बंद का सद्दा दिता गया उस नूं लैके अपने की तेरे चल रही है भारत बंद का सद्दा साडे लीडर ओ बयान ले रहे की है बंद पूरा मुकम्मल तौर ते पूरा भारत हिंदुस्तान नहीं कहांगे भारत कहांगे साडा देश भारत कारण साडा यही है कि जो हंसराज हंस है बीजेपी का एमपी है साडा बीजेपी नाल तौर तो ही दुश्मनी वाला बैतकरा रहा उन्होंने साडे किसानां नाल जो
मतरेई मां मां वाला सलूक किया, साढ़े किसानों का हक खोह की कोशिश की, साढ़िया जमीना खो रहे हैं। उसके संबंध में बीजेपी नेता कोई भी असं उसका शुरू तो लैके घराओ ही करा। किसानों वालों जो अठ बंद का सद्दा दिता गया, ये बारे तो तैयारियां मुकम्मल हो गई, साढ़िया तैयारियां पूर्ण तौर पर मुकम्मल ने। असी हर हर तरह के हर तरीके पूरे भारत को मुकम्मल तौर पर बंद करा। इसका पूरा समर्थन 31 जथेबंदियों वालों, इसका पूरा समर्थन 8 तरीक न पूर्ण तौर पर पूरा भारत। असी जी इन्हू आप दुश्मन समझते हैं भाजपा, ये भाजपा का एम पी है, साढ़े पंजाब के मतलब अनाज के नाल पलिया है, तो पंजाब के लोगों ने उन्हू एडा उच्चा मान सम्मान दिता, तो लखा वोटों के नाल जिताया, तो अज वो एक वोट आप दी देवे सानू। एक पासे हंसराज हंस बयान दे रहे हैं, मैं किसानों के नाल है, इस संबंध तुसी की कहोगे? बयान देने च की हर्ज है जी? विनय शर्मा भी कह ही रहा, पर गल तो मतलब बयान दे, बयान तो आया अस्तीफा दे के साडे विच आवे, किसे यूं नहीं कहिंदा साडी यूनियन च आवे, किसे यूनियन च जावे अस्तीफा दे, अस्तीफा दे के साडे किसानां दे नाल साडे धरने नूं। तुसी की कहोगे? ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। सारे पंजाब के जिहड़े सिंगर हैगे ने, सारिया ने सन्मान जिहड़े वापस किए ने, तुहानू भी बहुत सारे सन्मान मिले सी, की तुसीं पंजाब के सिंगरां दे नाल हो? शरेआम नाल, शरेआम नाल। मैं पंजाब च ही आ, पंजाबी आ। दूजी गल इह आ जी, किसानां दा कहना हैगा कि वो कह रहे ने, हंस जी कह रहे ने कि वो किसानों के नाल ने, पर साढ़े नाल क्यों नहीं बैठते? मैं उन्होंने नाल ही बैठा, क्लाइमैक्स से देखियो कौन बैठा से, वो कुछ लोग होंगे अपना बार बार गुत्था दिखाना चाहते टीवी, मैं उन्होंने चो नहीं गा, मैं डे वन तो जुड़िया हुआ, और जिदन क्लाइमैक्स होया उदन किसान जथेबंदियां भी दसनगियां, सरकार भी दसेगी कि एक अदना जहा बंदा ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਨ।